ये गुजर नगर के विजुअल्स और पीछे फिलहाल ये रोष देखने को मिल रहा है। हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति से दुकानें बंद कर रहे थे, कुछ तत्व गुजर नगर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए और हम पर पत्थर बरसाए। पुलिस वहां पर तमाशा देख रही थी, हमारे लोगों को डंडे लगाए गए, वो आगे आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी उन्होंने तोड़ी है। आप बोल रहे हैं वो गाड़ी आपने तोड़ी है, अभी भी आप देखिए वो ऐसे कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जम्मू में जो बेल्ट फोर्स उनकी सपोर्ट कर रही है, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, जम्मू में हमें रहने के लिए अधिकार नहीं रहा हमारा। साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस की है जो मौजूदगी है वो बहुत कम है, उसके नतीजतन तौर पे आप सामने देख सकते हैं ये जो गाड़ियां यहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियां ये जल गई हैं, चार गाड़ियां यहां पर, और साफ तौर पे यहां पर ये विजुअल्स बहुत भयावक है जम्मू गुजर नगर के। और साफ तौर पे कभी भी ये गाड़ियां पेट्रोल से भरी हुई हैं, और क्योंकि ये सिचुएशन अभी बहुत बुरी है। कई युवक जो है वो बुरी तौर से घायल हैं, और जो अभी यहाँ पे परिस्थिति है वो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। और जम्मू में जिस तरह से जम्मू बंद की कॉल की गई थी उसके बाद ये अब यहाँ पर आप पीछे देखिए कुछ लोग युवक जो है वो बेहोश तक हो गए हैं, इंजर्ड हो गए, और पीछे हजारों लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है जो कि कहीं ना कहीं विरोध पे। और एक गाड़ी का धमाका भी हुआ है, और गाड़ी पर धमाका साफ तौर पर हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर पत्थरबाजी से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। ये स्थिति यहाँ पर बहुत भयावह है, और गाड़ियाँ लगातार धमाके पड़ रही है। और यहाँ पर ये युवक आप देख सकते हैं कि इसके नाक से खून आ रहा है, ये इंजर्ड हुआ है और बताया जा रहा है जेकेबी ने मारे हैं, जेकेबी। साफ तौर पे स्थिति काफी भयावह है जम्मू में, और लगातार अब यहाँ पर लगता है कि कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ेगा। चार गाड़ियां जलाई जा चुकी हैं, ये गुज्जर नगर की तस्वीरें, और लगातार गाड़ियों में ब्लास्ट तक हो रहे हैं, और लगातार पुलिस जो है टीयर गैस के शेल्स लगा रही है भीड़ को पीछे करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन है जम्मू की, और पूरे भारत में इस समय रोष जो देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और पीछे देखिए पत्थरबाजी के तहत यहाँ पर एक बिल्डिंग जो है उसे तोड़ा जा रहा है, गुस्से में लोग हैं। साफ तौर पे यहाँ पर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगातार लगे हैं उसको लेकर यहाँ पर रोष देखने को मिल रहा है। और गुजर नगर आपको बताऊं मैं काफ़ी सेंसिटिव एरिया रहा है, और क्योंकि ये सिचुएशन हम आपको इसलिए यहां पर दिखा रहे हैं कि कई लोग यहां पर घायल हुए हैं और गाड़ियां जल रही हैं, पुलिस नाकामयाब है। यहां पे भारी तैनाती होनी चाहिए थी, जो कि सेंसिटिव एरिया माना जाता है उसको देखते हुए यहां पर तैनाती ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या मानते हैं ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी टेंस हो चुकी है, अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है पुलिस के? सर पुलिस के आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल से पार जा चुकी है। आप देख सकते हैं टीयर गैस हमारे बंदों पे चलाया जा रहा है, हिंदू भाइयों पे, मुसलमानों पे नहीं चलाया जा रहा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या हुई जो नारे हिंदू मुसलमान की बात आ गई है? साफ तौर पर ये तो 37 शहीद थे उनको लेकर जो है यहाँ पर विरोध हो रहा था जम्मू बंद की कॉल की गई। सर सिचुएशन ये आई है कि हमारे सीआरपी भाइयों को मारा गया, यानी कि 60 फैमिलीज जो कि पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम मातम छाया हुआ है। ये साफ तौर पे दृश्य आप देख सकते हैं कितने भयावक हैं, लोग भाग रहे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, टीयर गैस के शेल्स लगातार चल रहे हैं, और जम्मू इस समय जल रहा है उन 37 जवानों की शहादत के बाद जिसके बाद जम्मू बंद की कॉल की थी, और कई राज्य बंद हैं लेकिन सबसे ज़्यादा असर जम्मू में दिखा क्योंकि यहाँ पर बहुल आबादी भी है। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं लगातार धमाके हो रहे हैं और गाड़ियाँ जल रही हैं, लोग गाड़ियाँ बचा भी रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं कि कोई और गाड़ियाँ ना चल जाएँ, लेकिन ये भीड़ की हवाले चढ़ी हैं ये गाड़ियाँ। और फिलहाल तमाम जितना भी रिहायशी इलाका है यहाँ पर तनाव है, लोग घरों के अंदर है, उसके बावजूद पथराव में कई घरों के शीश टूटे हैं, महिलाएं भागती हुई साफ तौर पे अपनी जान बचाती हुई दिख रही हैं, और सिचुएशन अभी बहुत भयावह है। पुलिस और आई है दस्ते पर, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और आई है, और क्योंकि जम्मू में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह जाम है, चारों पुल बंद कर दिए गए हैं, उसके बाद ये स्थिति है कि अब जो स्थिति है आउट ऑफ कंट्रोल बताई जा रही है। हम आपको गुजर नगर से दिखा रहे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो धू धू करके जल रही हैं, और कभी भी इन गाड़ियों में बड़े बड़े धमाके हो सकते हैं। विजुअल्स गुजर नगर के हैं और लोग रोष में हैं, गुस्से में हैं, और पथराव लगातार हो रहा है।
दृश्य जम्मू के हैं। जम्मू में इस समय हालात बहुत तनावपूर्ण हैं, पुलिस कम पड़ रही है, लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ आप धू धू के चलते हुए देख रहे हैं। तीन गाड़ियों को फिलहाल आग के हवाले किया गया है, एक मारुति 800 है, एक रेनॉल्ट की पल्स है, दूसरी एक्सेंट है। ये तीन गाड़ी और मारुति सुजुकी, ये तीनों गाड़ियों को जला दिया गया है। विजुअल्स जम्मू गुजर नगर के हैं। ये रोष है, ये रोष पाकिस्तान के खिलाफ है और ये रोष कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गुस्साए हुए हैं। लगातार विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं गुजर नगर से तभी के फोर्थ ब्रिज से, यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखेंगे कि चारों गाड़ियाँ जल रही हैं, जल के खाक हो चुकी है। वही सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पे आईजीपी जम्मू जो हैं वो मौके पर पहुँचे और कई लोग और कई पुलिसकर्मी भी इस पूरी पथराव में घायल हुए हैं। कई गाड़ियाँ जिनको नुकसान पहुँचा है और पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा इस मौके पर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर है। खुद बड़े आला अफसर हैं क्योंकि गुजर नगर जो है बहुत तनावपूर्ण इलाका है, यहाँ पर हमेशा जो है तनाव बरतता है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और जो घर हैं यहाँ आसपास, अगर मैं आपको नज़र दिलाऊं यहाँ पर जितने भी घर हैं यहाँ पर लोग चढ़े हुए हैं ऊपर, उस ओर अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी लोग हैं और वहाँ से पथराव हो रहा है लगातार भीड़ के ऊपर, जिसमें भीड़ और उग्र हो गई है और कई पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आईजीपी जम्मू उसके साथ तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पर हैं, एडीजी सभी यहाँ पर मौके पर हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है और जो युवाओं का आक्रोश है वो साफ तौर पे दिख रहा है। ये विजुअल्स जम्मू गुजर नगर के हैं जहाँ पर लोग जो है लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और जो हमारे जवान शहीद हुए उसके बाद पथराव लगातार हुआ है। और इस ओर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो पुलिस बल आ चुका है यहाँ पर और गाड़ियां और डिप्लॉय हो चुकी हैं। और ये इलाका जो है बहुत तनावपूर्ण सेंसिटिव इलाका है जिसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस का दस्ता भगा गया। यहाँ पर खुद आईजीपी मौजूद है और आप देख सकते हैं आईजीपी सुरक्षा घेरे में यहाँ पर पूरी जो सुरक्षा है उसको कंट्रोल में करते हुए और डीपीएल से कुछ और वाहन पुलिस के आए हैं पूरी सिचुएशन को। यहाँ आप देख सकते हैं रोष इस ओर गाड़ियाँ टूट रही हैं लेकिन जो रोष है पुलिस जो है एक और जो लोग हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वही एक और तिरंगा लहरा रहा है और ये तमाम युवक हैं रात से ही डटे हुए हैं। इधर इधर पीछे
पीछे पीछे पीछे पीछे और यहाँ पर कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, यहाँ पीछे इंजर्ड, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या लगा आपको? पत्थर लगा था, पत्थर सर, ये देश के गद्दार जो पत्थर मार रहे हैं अभी, ये इनको साथ वही हाल होना चाहिए जो मिटो के साथ हमारे देश के खिलाफ है, ये इन्हीं लोगों की वजह से जो भारत के अंदर आज हमारे सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हुए हैं, इन लोगों की वजह से हुए हैं। ये लोग मिलिट्री को बढ़ावा देते हैं। मैं चाहता हूँ माननीय गवर्नर मोदी से अपील करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। टीयर गैस के शेल्स लगातार बरपाए जा रहे हैं और लोग भाग रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं, उसके बावजूद तिरंगा हाथों में लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों ओर से। हमारे हाथों में झंडा है, हमारे हाथों में तिरंगा है और उनके हाथों में पत्थर है और टीयर गैस से मार हमें लाठीचार्ज हमारे ऊपर किया जा रहा है। वहां से इधर देखो, आप सोच सकते हैं कि वो कश्मीरी और यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं कि जिन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था, फिलहाल दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हुई हैं और उन तमाम गाड़ियों को गाड़ियों में आग बुझाने के लिए यहाँ पर फायर टेंडर जा चुके हैं। लगभग एक दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है और उसके बाद अब प्रशासन ने यहाँ फायर ब्रिगेड भेजा है और सुरक्षा बल की अतिरिक्त जो टुकड़ियां हैं वो इस इलाके में लगा दी गई हैं और दमकल के जो गाड़ियां हैं और मौके पर बुलाई गई हैं, जिन गाड़ियों में आग लगाई थी गई थी उनको बुझाने की अब यहां पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि गाड़ियां तो जल के खाक हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है वो अभी भी नियंत्रण के बाहर है, क्योंकि ये पूरा गुज्जर नगर का इलाका गाड़ियां धमाकों से उड़ रही हैं और फायर टेंडर यहां पर आग बुझाते हुए साफ दिख रहे हैं। हालांकि यहां पर प्रशासन ने अब सख्ती अपनाते हुए कई टीयर गैस शेल्स चलाए हैं और उसके बाद यहां पर जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस के कई शेल्स चलाए गए हैं और कुछ कई लोग जो जख्मी हुए हैं उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है। दोनों समुदायों के बीच में ये एक आज सुबह से ही यहाँ पे क्लैश चल रहा था। और विजुअल हम आपको ये गुज्जर नगर इलाके से दिखा रहे हैं जम्मू के, यहाँ पे दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। तो यहाँ पर ये स्थिति है, यहाँ पर आप पीछे देखते हैं गाड़ियाँ जल चुकी हैं और कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी नज़र बनाई है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो शांति का परिचय दें और अपने घरों की तरफ जाएं। जिस तरह से पूरे युवा यहाँ पर सड़कों पर आ गए थे और कहीं ना कहीं ये आगजनी उसी का नतीजा है, जम्मू शहर कहीं ना कहीं जल रहा है उन 37 शहीदों की शहादत के बाद। रोष है ये लोगों का और ये रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है और ये स्थिति है। थोड़े दिन बाद यहाँ पर कर्फ्यू भी इम्पोस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन का कहना है। जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट।